में उपस्थित समस्त मेरी छात्राएं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था आपके नियोते के लिए। साधारण तौर पर नेताओं को कहा जाता है देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि देर आए पर दुरुस्त आए। मैं ये सोच रहा था कि 32 साल की उम्र में मैं सांसद बना, क्या मेरे पॉलिटेक्निक की बच्चियां जब मैं 50 साल क्रॉस कर लूं उसके बाद मुझे बुलाएंगी? भगवान का शुक्र है अब मैं अपना उम्र नहीं बताने वाला, लेकिन 50 साल के पहले आपने बुला दिया मुझे। मुझे बड़ी खुशी है इस कन्या महाविद्यालय में आकर मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित ये भव्य कन्या महाविद्यालय है, ऐतिहासिक इमारत है जहां आप शिक्षा ग्रहण दिन प्रतिदिन करती हैं, और मुझे विश्वास है कि इस कन्या महाविद्यालय से ग्रेजुएट करके मेरी बच्चियां केवल अपना नाम रोशन नहीं करेंगी, अपनी परिवार का नाम रोशन नहीं करेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। पूरे देश में आज मैं चाहता हूं कि एक चर्चा हो, एक चर्चा हो विकास और प्रगति के मुद्दे पर। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलने वाला हूं, जो मेरे दिल में 2-3 मुद्दे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद 3-4 प्रश्न उत्तर आप लोगों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम मैं तैनात करना चाहता हूं। मैं जीवन में मोनोलॉग में विश्वास नहीं रखता, मैं जीवन में डायलॉग में विश्वास रखता हूं। मोनोलॉग तो वही रखते हैं जो अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। हमारे सपने हैं हमारे देश के लिए, मेरे सपने हैं, प्राचार्य महोदय के सपने हैं, कलेक्टर साहब के सपने हैं, मेरी धर्मपत्नी के सपने हैं। देखा तालियां कितनी बज रही हैं आपकी। और आपके सपने, एक सपना है एक विकसित भारत के, एक प्रगतिशील भारत का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज, क्या ये सपना प्रगतिशील विकासशील भारत का, क्या ये सपना केवल 50% आबादी के आधार पर साकार हो सकता है? हाँ या ना? जोर से बोलो। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे पुरुष लोग जो मेरे सामने बैठे हैं आज अल्पसंख्यक की स्थिति में बैठे हुए हैं, और मंच में प्राचार्य जी और हम भी अल्पसंख्यक की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर है ना, तो एक सपना जो विकासशील प्रगतिशील भारत का है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी महिलाओं को सशक्त बना पाए और राष्ट्र के योगदान में अपना पूरा हक का निर्वाह करने का मौका दें। कई लोग ने मुझसे कहा, आज नहीं कई साल पूर्व, कि ये जिम्मेदारी में महिला शायद निर्वाह न कर पाए, और मैं उन लोगों से पूछता हूं कि जिस देश में
प्रधानमंत्री महिला बन चुकी है, राष्ट्रपति महिला बन चुकी है, लोकसभा की अध्यक्षा एक बार नहीं लेकिन दो दो बार महिला बन चुकी है, मीरा कुमार जी और ताई सुमित्रा महाजन जी दोनों विपक्षी दलों की नेत्री महिला बन चुकी है सोनिया गांधी जी और सुषमा स्वराज जी के रूप में, मुख्यमंत्री प्रदेशों की महिला बन चुकी है, तो फिर मेरी महिला सरपंच की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकती, मेरी महिला जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकती, मेरी महिला विधायक क्यों नहीं बन सकती, मेरी महिला पार्षद क्यों नहीं बन सकती, मेरी महिला सांसद क्यों नहीं बन सकती। अनेक मीटिंगों में जब मैं बैठक बुलाता हूं, हमारी जिला की कलेक्टर महिला है, मीटिंग में बुलाता हूं पार्षद महिला, आता है पार्षद पति। जिला पंचायत अध्यक्षा महिला, आते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पति। मैंने बैन लगा दिया है, मैंने यहां कोई पति वति नहीं आने वाला, जो मेरी पार्षद है वही आएगी, जो मेरी जिला पंचायत अध्यक्षा है वही आएगी। तो पुरुष बोलते हैं कि साहब हम तो मदद करने आए हैं, तो मैं उनको कहता हूं जो महिला घर चलाती है, और हम लोग सोचते हैं कि घर चलाना बहुत आसान है, जो महिला घर चलाती है, आपकी माताएं, पति का सुनना पड़ता है, सास का सुनना पड़ता है, ससुर का सुनना पड़ता है, देवर का सुनना पड़ता है, बच्चों का सुनना पड़ता है, लेकिन महिला सबकी विचारधारा का समावेश करके घर चलाती है। और हम लोग जो पुरुष है ना, दहाड़ते हैं बाहर जाके, घर पहुंच जाते हैं तो बिल्ली की तरह बैठ जाते हैं, जी 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 जी। तो जो महिला में क्षमता है नेतृत्व करने का, उस महिला को अवसरों का भंडार हमको देना होगा, अगर देश का कल्याण करना होगा और देश को विकास और प्रगति के रास्ते पे हमको ले जाना होगा। और आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, कोई आपको जंजीरों में न जकड़े, जो आपकी क्षमता है, जो आपका सपना है, उस सपने को साकार करने की पूर्ण क्षमता आपके पास है, मेहनत मशक्कत लगन परिश्रम के साथ आप कार्य करोगी तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और सफलता आप प्राप्त करोगे। केवल एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, कॉलेज से जब ग्रेजुएट करोगी आप, सदैव जिंदगी में अपने आप को प्रगति के पथ पर चलने के लिए अपने आप के ऊपर प्रेशर डालना, अपने आप को चारों तरफ से घिरा के रखना ऐसे दोस्तों के साथ जो सदैव जिंदगी में कुछ न कुछ नया करते हो, क्योंकि जैसे आपके दोस्त रहेंगे वैसे ही आपका स्वभाव भी रहेगा। जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप में भी वो जिज्ञासा नहीं होगी तो वो जिज्ञासा जाग जाएगी आपके अंदर अपने आप को आगे करने के लिए। और हर 6 महीने हर साल अपने आप को मेजर करना, क्या नई कुछ सीख रही हो कि नहीं। सब कुछ जिंदगी में इससे नहीं होता, ये जरूरी है लेकिन एक हद तक, इससे ज्यादा जरूरी होता है
कि बौद्धिक क्षमता हमें सदैव जिंदगी भर बढ़ाना होगा। और दुनिया के सबसे सफल कंपनियों की अगर आप एनालिसिस करोगी तो केवल वो कंपनी सफल होता है जो सदैव अपने लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाता रहे। तो उस पथ पे अग्रसर होना, अपने आप को सदैव आगे बढ़ाना, और कोई भी शक्ति ना हो जो आपकी क्षमता को रोक पाए, उस मंशा से अगर आप कार्य करोगी तो जरूर सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। अब आपके प्रश्न। शुरू करने के पहले जरा अपना नाम और जिंदगी में सपना क्या है कि क्या करना चाहते हैं। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, मैं एसआई बनना चाहती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि महारानी साहिबा चुनाव लड़ेंगे क्या? ये प्रश्न तो आप फोन से करना पड़ेगा। इतना मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की और फिर मैं माइक ले लूं, ये संभव? मैंने आपको करा। मुझे लगता है कि सांसद होने से काम नहीं बनता। थोड़ा माइक पास में रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मैम आवाज नहीं आ रही, बैठ के बातें, माइक पास में काम करना, तो इन्हीं को सांसद रहने दीजिए, मैं पीछे से काम करूंगी। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ हार्ड वर्किंग वुमन। आप चुनाव लड़ोगी तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। लड़ाई तो चलती रहती है हमारी एवरी डे, तो इसी से सीख लीजिएगा लाइफ। थैंक यू मैम। चलो अच्छा कीर्ति, जरा एक बात बताओ कि ऐसा एक क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि मेरा सपना है, मेरे को जॉब करनी है, बट वर्दी वाली जॉब करनी है और ऐसा ही बनना है, इसलिए मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की है। तो प्रेरणा ऐसा है के लिए क्यों, मतलब खास करके पुलिस की तरफ क्यों, कोई और आईएएस या और? मैं समझना चाहता हूँ कि उसकी प्रेरणा कहाँ से आई। कोई कोई लोग होता है ना, वो जैसे कि किसी किसी इंसान को अपनी जॉब का घमंड होता है, उसका घमंड तोड़ना है बस। मतलब कुछ हुआ था जिससे किसी ने इसको बोला था कि जब तुम ये वर्दी पालोगी ना तब तुम भी ऐसा करोगी, तो इसने उसी दिन से कसम खाई थी कि मतलब मुझे ये करना है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा नाम शना खान है, और ये मतलब इसने बोला कि मैं तो करूंगी और तू भी करेगी मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं पीछे तेरे सपोर्ट में हूँ और मैं बराबर से तेरे साथ चलूंगी हमेशा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यही मैंने कहा है, जब जो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प हो ना कीर्ति, जिस दिन तुम उस मुकाम पे पहुंचोगी जरूर आके मुझे मिलना, ठीक है? मेरा नाम सानी और रेस्तानी। हमारे धीरे से बोलो। मैं पानी के लिए बोलना चाहती हूँ, हमारे बिल्कुल पानी नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम भी होना आपका तो आपको पहले पानी भरना है, फिर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। टेंथ में भी यही हो, ट्वेल्थ में भी यही हो, बिल्कुल पानी नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। पानी कब तक आ जाएगा? पानी की बहुत बड़ी मुसीबत है, पूरी शिवपुरी में समस्या है पानी की, और इसी समस्या को देखकर 9 साल पहले मैंने 90 करोड़ रुपए की पानी की योजना मड़ीखेड़ा से शिवपुरी के लिए मंजूर की, लेकिन हमारे भाजपा के शासन ने उस पूरी योजना को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। और मैंने आप लोगों से कहा था, उसकी कल्पना भी मैंने की थी, और एक योजना बनी थी शिवपुरी के लिए 15 साल की जो डिमांड होगी उसकी पूर्ति करने की,
मैंने कहा 15 साल की डिमांड से काम नहीं चलेगा, ऐसी योजना बननी चाहिए जो 2050 तक शिवपुरी की जनता के लिए पानी की किल्लत ना हो। 2008 में मैंने मंजूर करवाया, आज हम 2019 में खड़े हैं और 11 साल में ये शिवपुरी में ये भाजपा के शासन में उसको क्रियान्वयन नहीं किया। मोदी जी आए थे शिवपुरी में मेरे पिछले चुनाव में याद है, और कहा था पानी मैं लाऊंगा। उनके भी 5 साल पूरे हो गए। आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कलेक्टर साहब से क्या हो गया, पर्दा कहाँ से लग गया, कलेक्टर साहब से मैंने अभी चर्चा की। दिन प्रतिदिन पर मैं पानी की योजना का मैं अब मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, तो अब जिम्मेदारी मेरी है क्रियान्वयन की। 17 ओवरहेड टैंक हैं जो शिवपुरी में बन रहे हैं। प्रश्न करने वाली मेरी बच्ची कहाँ गई, खेल रहा हूँ ना। 17 OHP हैं ओवरहेड टैंक, जो पाइप लगे थे मणिखेड़ा बांध से इन ओवरहेड टैंक तक, सतनवाड़ा तक, और सतनवाड़ा से इन ओवरहेड टैंक तक 8 साल में पाइप ही सड़ गए, तो अब दोबारा ऑर्डर मैंने लगवाया पाइप के लिए। 10 ओवरहेड टैंक तक फरवरी अंत तक संपवेल ओवरहेड टैंक के नीचे तक पानी आ जाएगा, बाकी 7 ओवरहेड टैंक तक 31 मार्च तक पानी आ जाएगा। 3 किलोमीटर पाइपलाइन बाकी है जो खेत से निकल रहा है, उन 3 किलोमीटर के पाइप ऑर्डर हो गए हैं, 15 अप्रैल तक वो भी लग जाएगा, और आपके घर में ओवरहेड टैंक से पहले पानी 31 मार्च तक हम लोग पहुंचाएंगे, और पाइप के जरिए मई के अंत तक आपके घर में। और ये समस्या आपकी नहीं रही, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये समस्या आप मेरी बनी, ठीक है। और मेरा कमिटमेंट है आप सबको, और खास करके मेरे महिलाओं को, जब मैं कमिटमेंट देता हूँ तो उस पर मैं खड़े होता रहूंगा। अच्छा जरा उसको दे दो पहले, ये जरा सुनो माइक को दे दो। आपने मुझे भी बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जिंदगी में प्यार वो धक्का देता है, वो धक्का देता है तो आप झप्पी दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है। गांधी जी ने क्या सिखाया था, चलो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और फिर उसका फोटो ले तो ले लो मुस्कुराते हुए। नहीं नहीं आपने बताया नहीं मुझे किस सब्जेक्ट का, हिंदी। बहुत अच्छी, बनने के बाद थोड़े क्लिश सब मुझे भी सिखा देना। सर हम सभी छात्राओं का अनुरोध है कि इस कॉलेज को पीजी करवा दिया जाए। पीजी कराने का वो अलग से आके मुझे मिलके मुझे थोड़ा समझा भी दे देना, और जो संभव है मैं कर लूंगा। अभी वाणिज्य का स्टाफ का मांग रखी है मेरी बच्चियों ने, पहले एक वाणिज्य शिक्षक का स्टाफ मैं आप लोगों के यहाँ पहुंचा दूं, उसके बाद चुनाव के बाद मुझे समझा भी देना। आप अगर आप मुझे अगले 17 साल के पहले वापस बुलाओगी तो क्या बनना चाहती हो, ऐसा है। चलो तुम्हारी तुम्हारी एक सहेली भी आ, कहाँ गई वो, चली गई सर, कहाँ गई, कीर्ति। एक और सहेली आ गई तुम्हारी, 1 2 3 तीनों ऐसा ही बनेंगे। चलो वेरी गुड, अब यहाँ अब इस तरह देखिए दो मैं देखो ले लिया उसने, उसके बाद आ जाऊंगा। मेरा नाम शिवानी राठौर है सर। सर मैं आगे फ्यूचर में चाह रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, पॉलिटिक्स में, वेरी गुड ऐसा आपसे मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं आप उनको एक मोटिवेशन दीजिए
मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं लड़की हो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए। आगे बोलते हैं हर मंच में जाओ, हर मंच में जहाँ मौका मिले वहाँ बोलो। लेकिन मैं चाहती हूँ लड़कियाँ हैं उनको बोलो कि आपको मंच मिल रहा है तो आप जरूर आगे बढ़े। और पॉलिटिक्स में जाकर आप सभी लड़कियां जो कर सकती हैं, आप घर चला सकती हैं, आप देश चला सकती हैं, तो आपको जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो समाज होती है वो कहीं ना कहीं बोल देती है कि लड़की हो तो प्लीज पॉलिटिक्स को अवॉइड करो, गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ तो सेफ जोन रहेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करना चाहती हूँ कि आप लड़कियों को मोटिवेशन दीजिए थोड़ा सा कि पॉलिटिक्स की ओर वो जाएं और अपने मतलब पंखों को और आगे खुलाएं। शिवानी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग शिवानी को कहते हैं ये पॉलिटिक्स में मत जाओ, पॉलिटिक्स थोड़ा छोड़ दो, कोई और काम देख लो, गवर्नमेंट जॉब की बात करो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आज देश की राजनीति के साथ आज देश में जो राजनीति हो रही है अगर उसके साथ आप संतुष्ट नहीं हो, जो असहिष्णुता का माहौल है, जिस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है, आज जो हर किसान महिला नौजवान भटक रहा है, जिस देश में इतनी क्षमता है, अगर परिवर्तन लाना है तो क्या छोर पर बैठकर परिवर्तन लाया जा सकता है? अगर हम चल के जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रास्ते में कीचड़ है और अगर उस कीचड़ को परिवर्तित करना है, लेकिन हम सब कहते हैं कि नहीं, मैं अपना जूता उस कीचड़ में नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा जूता गंदा है, वो कीचड़ को कौन परिवर्तित करेगा? कीचड़ तो तभी परिवर्तित होता है जब उस कीचड़ में कूद के हाथ अस्तीन ऊपर करके उस कीचड़ में कूद के उसमें मंथन करके उसमें से अमृत निकालना होगा, तभी वो कीचड़ परिवर्तित होगा। और कोई देखता नहीं आने वाला ऊपर से इस राजनीति को परिवर्तित करने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस राजनीति को परिवर्तित करना होगा तो आपको इस राजनीति की कीचड़ में कूदना ही होगा, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और दूसरी बात मैं शिवानी कहना चाहता हूं, उन लोगों को कहना, जो आपके मूल्य हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, चाहे आप राजनीति में आना चाहती हो, चाहे एसआई बनना चाहती हो, चाहे शिक्षक बनना चाहती हो, अपने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कभी भी जिंदगी में समझौता मत करना। अगर वो समझौता आपने कर लिया तो पूरी जिंदगी आपकी बीत गई। राजनीति में आओगी, शिक्षक बनोगी, एसआई बनोगी, उस सिस्टम को बदलना आपका लक्ष्य होना चाहिए। वो सिस्टम आपको न बदले यह भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। तभी तो जीवन सफल है। जैसा था उसी सिस्टम के भाग बन जाओ तो क्या फर्क किया आपने जिंदगी? जो सिस्टम आपने पाया, उस सिस्टम को आपने परिवर्तित किया, तभी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपसे प्रभावित होंगे कि हाँ ये अलग है, इसने कुछ अलग करके दिखाया। वो करना लक्ष्य होना चाहिए। और जिंदगी में सदैव ये याद रखना, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिसने कोई भी गलत काम किया हो उसे कहना गलत गलत है और सही सही है। हम लोग राजनीति में क्या करते हैं कि हम लोग के व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो ना बाबा ना, सब सही है, और किसी और ने कुछ गलत किया तो कसूरदार। जब हम लोग की आदत होती है देश में, हम उंगली बहुत दिखाते हैं, जरा इधर थोड़ा कीर्ति थोड़ा ऐसा करना चाहती हूँ, सबको लेफ्ट राइट करो, हाँ चलो करो सबको, ये करते हैं ना हम लोग, कीर्ति ने ये किया, शिवानी ने वो किया। हम भूल जाते हैं कि जब एक उंगली हम किसी और के तरफ दिखाते हैं, तीन उंगली हमारे तरफ दिखती है। तो
पहले अपने अंतरात्मा में झांको, अपने नुक्सों को ठीक करो, किसी और को उंगली दिखाने की बजाय। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, मेरा नाम एक मिनट, आखिरी बात, जिंदगी में कभी मत समझना, जितने भी ऊपर तुम पहुंच जाओ, जिंदगी में कभी मत समझना कि तुम परफेक्ट हो, तुम में कोई कमी नहीं हो सकती, कभी मत समझना। भगवान ने आपको और हमको इस पृथ्वी में भेजा है हमारे नुक्सों को ठीक करने के लिए। तो जितने ऊपर जाओगे उतना ज्यादा अपने पैरों को जमीन पर रखना, और कोई कहे आपको ये आपकी थोड़ी सी गलती है इसको ठीक करिए, तो डिफेंसिव मत होना, क्योंकि वो जो आपको कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। उसको अपना के अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करो, ठीक है? थैंक यू शिवानी, इनको मौका दे। सर मेरा नाम भारती रावत है। अब आखिरी दो, हाँ भारती और एक और। मेरा नाम भारती रावत है, मैं ग्राम के आधा क्लास में हूँ। मेरे पापा यश सिंह रावत एक कृषक हैं। सर मेरी ये समस्या है कि जी ओबीसी एसटी जनरल इन सब में भेदभाव क्यों है? मतलब मैं समझा नहीं। सर ये कि इनको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, लिस्ट उठती है, तो ओबीसी की ज़्यादा नंबर उठती है, एसटी की ज़्यादा कम नंबर, ये सब क्यों? ये भारतीय आरक्षण की बात कर रही है। आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज पूरे देश में, और ये समझने की भी जरूरत है कि जिन समाजों को इस देश में सालों से नहीं दशकों से उछला जा चुका है, पीछे रखा गया है, सामंता के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है, जो अफसर मुझे मिले हैं, क्या नाम है तुम्हारा, नीलू जोशी को मिले हैं, इनके पिता या माता को मिले हैं, वो दूसरे को नहीं मिले। तो अगर अंग्रेजी में एक कहावत है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि एक ही स्तर पर सब लोग आ पाए, अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमको बनाना है तो जरूर आरक्षण की जरूरत है। लेकिन एक और सोच आज देश में चल रही है कि अगर किसी परिवार को एक बार या दो बार आरक्षण का एडवांटेज मिल गया हो तो आगे जाके, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो उस आरक्षण के कोटे में आ रहे हैं, उनमें भी सामंता होना चाहिए। ऐसे लोगों को आरक्षण मिले जिनके परिजनों को पिछले एक या दो पीढ़ियों में भी आरक्षण ना मिला, तो उस कोटे के अंदर भी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के, उन लोगों को मिल पाए जिनको पहला ना मिला। पर एक वातावरण देश में तैनात करने के लिए जरूर आरक्षण की मैं भी मानता हूँ जरूरत है, लेकिन क्रीमी लेयर का जो विषय है उस पर हम लोग विश्लेषण जरूर कर सकते। चलो अब एक प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ से मैं जाता हूँ, एक एक मिनट भारती, अब एक प्रश्न यहाँ से, हाँ जरा माइक भारती वाले, सर मेरा एक क्वेश्चन और है। अब एक क्वेश्चन भारतीय, संसद में भी मुझे एक ही प्रश्न का अलाउ किया जाता है। सर एक क्वेश्चन है कि ये बार खुशबू तुम्हारे पास में आऊंगा उसके बाद। सर वो सारी एनसीसी की लड़कियों का ये क्वेश्चन है, एनसीसी भाई, ये तो एनसीसी का पूछ रही है खुशबू, सारी लड़कियों का एक क्वेश्चन है एनसीसी वाले, तो पहला उनसे पूछ लो मैं। कोई ना, हां ओके। क्या स्मार्टफोन? मैं तो ये चाहता हूँ अगर शिक्षा प्राप्ति करनी है, और मैं सोच रहा हूँ जो आपने प्रश्न किया है, जो स्मार्टफोन मिले हैं मैंने सुना है कि उनमें से कई तो 3 महीने में बंद भी हो गए, तो स्मार्टफोन ऐसा दो जो स्मार्ट हो,
ऐसा फोन मत हो जो बेवकूफ हो। एक दिन को तो एक दिन के लिए आपको खुश कर दिया और बाकी साल के लिए आपको निराश कर दिया। यस सर। तो ये चंटपन जो है ये भाजपाइयों का, ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। हम चाहते हैं एक ऐसा वातावरण जहाँ शिक्षा प्राप्ति हो। तो मैं सोच रहा हूँ जो आपने अब प्रश्न किया है और ये मेरे दिमाग में विचारधारा आई है कि क्यों ना कॉलेज लेवल पे, मैं नहीं मानता कि हर छात्र या छात्रा को हम लोग दे पाएंगे, लेकिन कम से कम जो अच्छा परफॉर्मेंस हो उनको स्मार्टफोन के बदले मैं तो मानता हूँ कि टैबलेट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। टैबलेट के आधार पर आज ज्ञान वो दरवाजा है जो आपके लिए अवसरों का भंडार खोल देता है, और एक्सेस टू नॉलेज टेक्नोलॉजी के थ्रू होनी चाहिए। वो समय गया जहां हम लोग केवल किताब खोल के पढ़ते, अब तो टैबलेट के द्वारा पूरा दुनिया आपके द्वार पर। मैं तो सोच रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ हमारे बच्चों के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भी, उनकी नॉलेज कैपेसिटी ग्रो करने के लिए उन लोगों को टैबलेट देना चाहिए, स्मार्टफोन नहीं। स्मार्टफोन का काम ज्यादा करके ये खट पूरा टाइम चलता रहता है। और मैंने एक अजीब चीज देखी है, मैं हूं तो थोड़ा नौजवान पर मेरी आत्मा जो है वो बहुत बूढ़ी है। मुझे बड़ा अजीब दृश्य देखा एक दिन मेरे घर में, मेरी बच्ची आपसे छोटी है, हमारे जमाने में ये स्मार्टफोन वाटफोन नहीं होते, हम लोग बात करते थे घर वालों से, दोस्तों से, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, दिन भर क्लास में, शाम को पूरा प्लेइंग फील्ड पे, पसीना तर तर मजा आता था। आजकल मैं देखता हूँ सारे जितने बच्चे हैं डब्बे में मस्त, सही है कि नहीं? अब ये ज्योति, ज्योति नीलू, नीलू बैठी है, नीलू बैठी है गुड्डन के पास, ठीक है। अब नीलू के हाथ में डब्बा है और गुड्डन के हाथ में डब्बा है, और ये दृश्य मैंने अपने घर में देखा है। नहीं, मैं अपने जैसे उदाहरण, दोनों पास पास बैठी हुई है। अब नीलू गुड्डन से मुंह खोल के बात नहीं करेगी, अपने डब्बे से मैसेज भेजेगी गुड्डन को, और गुड्डन मैसेज पढ़ेगी और फिर अपने डब्बे से वापस नीलू को मैसेज भेजेगी, और पास पास में बैठे हुए हैं। और बड़ा अजीब स्थिति है भाई। और जब वो मैसेज भी भेजते हैं ना, आजकल के जमाने में हम नहीं कहेंगे नीलू आप कैसी हो, सब पूरा शॉर्ट फॉर्म, एक एक शब्द का इस्तेमाल। तो जो अंग्रेजी और हिंदी हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था वो अंग्रेजी और हिंदी तो खत्म, ये सब हो गया व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो सब अब्रीविएशन हो गया है। तो ये फास्ट पेस जिंदगी में एक दूसरे से वार्तालाप करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिश्ता बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण, और रिश्ता केवल इस डब्बे से नहीं बनता, क्योंकि जो मुंह से कहा जाता है ना वो डब्बे से नहीं कहा जाता। अब एनसीसी, लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम खुशबू से बोल रहे हैं। अरे एक मिनट, आपने नहीं बताया कि आप क्या बनना चाहती हैं। मैं भी ऐसा ही बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, देखो तुमने कितनी को प्रेरणा दे दी। चलो बहुत अच्छी की थी। सर मेरा नाम खुशबू से बोल रहे हैं, मैं एनसीसी से हूँ, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग एनसीसी वाले इतनी मेहनत करते हैं, 3 साल तक करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब 5% का ही है ओनली, तो ऐसा क्यों है? नहीं है, एमपी जॉब्स में सर कोई भी नहीं है बोनस मार्क्स का। सर हम लोग कैंप्स करते हैं अलग, मतलब जो लड़कियां ग्रेजुएशन टाइम कर रही हैं वो सिर्फ पढ़ रही हैं, हम लोग उनसे हटकर ड्रिल भी सीखते हैं सर, हथियार चलाना सीखते हैं, पहाड़ चढ़ना भी सीखते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं सर। 10-10 दिन मैं तो 2 महीने घर से बाहर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं क्यों कर रही है ये सब। तो सर हम लोग को बोनस मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं एमपी के जॉब्स में, कुछ हट क्यों कहीं का बताऊँ।
कनिका और खुशबू ने पूछा है कि हम एनसीसी में इतना मेहनत करते हैं, हमको बोनस मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं जॉब प्रोफाइल में। कनिका नाम है? Yes, कनिका और खुशबू, याद रखना कि जिंदगी में सब कुछ मुनाफा देख के नहीं किया जाता, कुछ चीजों के लिए स्वयं की प्रेरणा होनी चाहिए। मैं एनसीसी करना चाहती हूं क्योंकि मैं एनसीसी का कैडेट बनना चाहती हूं। मैं अनुशासन, शस्त्र और जो भी प्रशिक्षण है, पहाड़ चढ़ना चाहती हूं क्योंकि मैं चढ़ना चाहती हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जॉब में कोटा मिलेगा या 5% मुझे प्रेफरेंस होगा जिंदगी में। और ये दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिंदगी में अपनी अंतर आत्मा की आवाज के आधार पर सदैव कार्य करना, जो तुम्हारा दिमाग कहेगा तुमको ना उसके आधार पर काम मत करना। दिमाग कहता है शॉर्ट टर्म, अंतर आत्मा सदैव कहेगा आपको लॉन्ग टर्म। और जिंदगी में ये भी याद रखना कि सब कुछ मैंने मन से कहा था ये नहीं होता, ये जरूरी है दुनिया में। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी चलाना है, अपने बच्चों का परवरिश करना है, अपना घर बनाना है, तो ये सब बहुत जरूरी है, पर ये जीवन का मकसद नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हैं, सबसे जो रिच लोग हैं दुनिया में, अगर आप सोचती हो कि वो चैन की नींद सोते हैं, वो चैन की नींद कभी नहीं सोते। अब आप मुझे पूछोगे क्यों? उनके तो महाराज हवाई जहाज हैं, उनकी तो आलीशान बंगले हैं, ऐसा कैसा हो सकता है कि वो चैन की नींद नहीं सोएंगे? आपके पास हवाई जहाज हो, आपके पास आलीशान मकान हो, आपके पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे पारिवारिक रिश्ते न हो, परिवार एक न हो, अच्छे आपके दोस्त न हो, अगर घर में सुकून न हो, आप नहीं हो। ये बड़ा पैराडॉक्स है दुनिया में। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब किसी के बगीचे में जाओगे, उनका बगीचा सदैव हरियाली से भरा दिखेगा और अपना खोखला दिखेगा, लेकिन जो अपने पास है उसकी अहमियत भी रखो और उसके आधार पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग तो जानते हैं हमें ये करना है, पर जो फैमिलीज होती हैं, आई एम सो लकी कि मेरे मम्मी पापा मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं 2 महीने के लिए बाहर थी, कई लोगों ने तो ये भी सोच लिया कि मैं किडनैप हो गई हूँ, बट मेरे मम्मी पापा ने मुझको भरोसा रखा। लेकिन कई लड़कियाँ होती हैं, हम लोग क्योंकि मैं सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ सर, तो मैं लड़कियों को बोलती हूँ एनसीसी ज्वाइन करो, तो बोलते हैं दीदी हमारे मम्मी पापा नहीं करने देंगे। कई लड़कियाँ ज्वाइन भी कर लेती हैं पर उनको कैंप में नहीं जाने देती, कौन भेजेगा 10 दिन के लिए। लेकिन एक बहुत बात हो जाती है लड़की को बोलने के लिए कि मैं फ्यूचर में अपने ऊपर डिपेंड हो सकती थी क्योंकि मुझे इस चीज़ में बोनस मार्क्स मिलेंगे, मैं भी मेहनत करूँगी पर साथ में मुझे वो भी मिलेगा, तो सर इस लालच से ही शायद माँ बाप को भी समझना होगा। अगर हम समझते हैं कि अपने माँ बाप के आंखों में हम धूल झोंक रही हैं कि मैं कर रही हूँ बोनस मार्क के लिए, वो तुम्हारे माँ और बाप है भी, उनको जन्म दिया है, उनको हम लोग क्या गुनाह पुसलाए पाएंगे क्या? एक सेकंड में देख लेंगे। नंबर एक। नंबर दो, माँ बाप को क्यों ना चिंता हो, वो भी गलत नहीं है। हर माँ हर पिता को चिंता होती है अपने बच्चों के बारे में। जब आप माँ बनोगी तब आप भी देखोगी, आपको भी चिंता होगी, आपने एनसीसी किया हो फिर भी जब अपने बच्ची को आप एनसीसी में भेजोगी तो आपको भी चिंता होगी, वो स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे
माँ बाप को भी विश्वास होता है कि नहीं मुझे चिंता है, मैं गुड्डन को नहीं भेजना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चीज गुड्डन के लिए अच्छी चीज है, तो ठीक है मैं भेज दूंगा गुड्डन। और ये आप एक पिता से पूछ रहे हो, जब मेरी बच्ची स्कूल कैंप पे जाती है और सब कुछ, जो मेरे धर्मपत्नी ने अभी कहा ना कि लड़ाई हमारी होती है, मुझे भी चिंता होती है, मैं कहता हूं घर में क्या जरूरत है, क्यों भेजना है, मैं अकेले नहीं भेजूंगा। और फिर ये मेरे साथ लड़ती है कि क्या तुम अपनी बच्ची को घर पे ही रखोगे, क्या क्या कर रहे हो तुम। फिर मुझे सुनना, मैंने कहा ना कि घर पे हम बिल्ली बन जाते हजूर जो आपकी आज्ञा हो कोई कठिनाई नहीं। और सही बोल रही है, क्योंकि जो आपने बोला वैसे ही बच्ची का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब पिता और माँ जिंदगी भर तो बच्ची के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग कब तक रहेंगे, एक दिन तो हमको भी तो बुलावा आएगा। तो अपनी बच्ची अपना बच्चा अपने पैर पर खड़ा रखे हो पाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये दुविधा है माँ बाप के दिल में, ऐसा नहीं है कि वो आपको आत्मविश्वास के रूप में परिवर्तित होते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन उनके दिल में भी चिंता है, एक तरफ चिंता है एक तरफ आपका विकास है, तो दोनों के बीच में वो भी अटक जाते हैं। तो धीरे धीरे वो परिवर्तन भी आएगा, पर अपने माँ बाप के साथ बैठ कर उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, आप समझिए, मुझे अलाउ करना पड़ेगा आपको। और मैं अपना उदाहरण आपको दे दूं, मैं आपको अपना उदाहरण दे दूं, जब मैं अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आपने हार्वर्ड के बारे में सुना, जब मैंने अप्लाई किया था, बड़े महाराज और वर्तमान की राजनाथ साहब मुझे अमेरिका नहीं भेजना था, उनको उस जमाने में संकोच था, मैं 1994-90 की बात कर रहा हूँ, अमेरिका अच्छा जगह नहीं है, बच्चे चले जाते हैं तो खराब हो जाएंगे, बहुत दूर है, 21 घंटे दूर है। सर मुझे बोलना है, मैं कब का बोल रही हूँ, उधर चलो आखिरी प्रश्न, लो ये देव नहीं नहीं मैं एक मिनट ये जल्दी बता दूं, क्योंकि इन्होंने मुझे अभी टोका है और ठीक बोल रही, मैंने कहा ना कि अपने आप को दुरुस्त करो। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था, मैंने चुपचाप से अप्लाई किया, मैंने ना अपने पिता पति को बोला, पिता को बोला ना अपने अम्मा को बोला, दोनों को मैंने नहीं बताया। जब हार्वर्ड का एडमिशन चिट्ठी आई तब वो एडमिशन चिट्ठी लेके मैं बड़े महाराज के पास गया कि अभी एडमिशन चिट्ठी आ गई। तो जो दुविधा में वो मुझे अटकाना चाहते थे, मैंने उनको दुविधा में अटका दिया कि मैं ना बोलूं कि मैं अपने बच्चे को जो अच्छा अवसर है उससे अलग कर रहा हूं, और मैं अगर हाँ बोलूं तो वो अमरीका चला जाएगा। अंत में उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी। तो जो आपको पाना है वो पाके अपने माँ और पिता के पास जाओ, और फिर वो जरूर आपको। हाँ ने कहा है सिस्टम कैसे चेंज करना, सिस्टम तभी चेंज होगा जब ऊपर से नीचे केवल नहीं लेकिन नीचे से ऊपर जवाबदेही हम लोग तय करें।
तो मैंने आपको उदाहरण दे दूं, जब मैं पावर मिनिस्टर था मैंने एक छोटी सी तब्दीली, मैंने नियम बना दिया मेरे मंत्रालय में कि फाइल अगर किसी के डेस्क पर 2 दिन से ज्यादा अगर रहे तो उस ऑफिसर को जब वो साइन करेगा फाइल तब उसको लिखना पड़ेगा किस कारणवश मुझे 4 दिन लगे। और वो नियम ऑफिसर के ऊपर लागू केवल नहीं, वो नियम मंत्री के ऊपर भी लागू। अगर कोई फाइल मेरे डेस्क पे 2 दिन से ज्यादा रहता था मुझे कारण लिखना पड़ता। जब जवाबदेही तय करोगे ना सिस्टम लाइन पे आ जाएगा। तो हमको आर्किटेक्ट चाहिए जो जवाबदेही तय करे। सिस्टम हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी बहुत प्रोडक्टिव है, उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन उसे एक शिल्पकार चाहिए जो प्रोडक्टिविटी उस सेक्टर का इम्प्रूव करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके।